तो भाई लोग इस टाइप के फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग इस टाइप के फोटो एडिटिंग सीख जाइएगा। बिल्कुल आसान तरीका बताया हूँ गाइस, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, तब इस टाइप का फोटो एडिटिंग आप लोग सीख जाइएगा। चलिए बिना बकचोदी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस गैलरी में आ जाना है, इसके बाद जिस फोटो को एडिट करना है उस फोटो को शेयर कर लीजिएगा स्नैपचैट के अंदर। स्नैपचैट, तो गाइस हम लोग का स्नैपचैट ओपन हो चुका है। टूल्स वाले ऑप्शन में आना है, ट्यून इमेज में ब्राइटनेस को कुछ प्लस कर दीजिए 50, और कॉन्ट्रास्ट को कुछ प्लस, माइनस को प्लस 100, हाईलाइट को माइनस, इसके बाद शेडो को कुछ प्लस कर दीजिएगा। इसके बाद राइट क्लिक कीजिएगा, फिर टूल्स वाले ऑप्शन में आना है, सेलेक्टिव वाले ऑप्शन में, जहाँ जहाँ आप लोग का फोटो ब्लैक दिखेगा एक बार क्लिक करना है, दोनों हाथों से जूम करना है, और जहाँ पर ब्लैक दिखेगा वहाँ पर इस टाइप से ब्राइटनेस को प्लस कर दीजिएगा, सिचुएशन को थोड़ा सा माइनस। इसके बाद राइट क्लिक कीजिएगा और इस फोटो को शेयर कर लीजिएगा लाइटरूम के अंदर। तो गाइस लाइटरूम में फोटो ओपन हो चुका है, एक प्रीसेट का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ए वाला प्रीसेट का, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। 3 डॉट में आइएगा, यहाँ से कॉपी सेटिंग नीचे वाला को टिक, राइट क्लिक, उसके बाद इस फोटो में कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। 3 डॉट में क्लिक कीजिएगा, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए इस फोटो को ले चलिएगा स्केच बुक के अंदर। तो गाइस हम लोग का फोटो स्केच बुक में ओपन हो गया है, इसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन में आइएगा, लाइब्रेरी में आइएगा, देखिए इस वाले ब्रश को सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसे सेटिंग देख लीजिए, इस साइज को अपने हिसाब से कर लीजिएगा, और इस सेटिंग को आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद चलिए इस टाइप से आप लोग ब्रश चलाइएगा, साइज को अपने हिसाब से कर लीजिएगा, इस टाइप से सीधा सीधा आप लोग ब्रश चलाइएगा, ताकि देखें कितना हार्ड स्मूथ हो रहा है। तो आप लोग भी इसी टाइप से ब्रश चलाइएगा, देखिए कितना हार्ड स्मूथ हो गया। उसके बाद इस वाला पार्ट में ऐसे से सीधा के चलाइएगा, देखिए कितना हार्ड स्मूथ हो रहा है, इस वाला पार्ट में इस टाइप से चलाइएगा, इस वाला पार्ट में ऐसे से। चलिए वीडियो को फास्ट कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोग आराम आराम से कर लीजिएगा। तो गाइस ये देखिए हम लोग का फेस कितना हार्ड स्मूथ हो गया है। इसके बाद लेयर वाले में ऑप्शन में आना है, प्लस वाले में एक एम्प्टी लेयर ले लेना है, लेयर में क्लिक कीजिएगा, नॉर्मल में क्लिक कीजिएगा, यहाँ सॉफ्ट लाइट कर दीजिएगा, और यहाँ से जिस कलर को आप लोग चूज कर लीजिएगा अपने वोट में। इसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन में आना है, लाइब्रेरी में देखिए इस वाले ब्रश को ले लीजिएगा, इसका सेटिंग देख लीजिए, उसके बाद इस टाइप से आप लोग चला दीजिएगा। लेयर में आना है, इसका ओपेसिटी को कुछ कम कर दीजिएगा इतना। इसके बाद ये देखिए कुछ इस टाइप का फोटो बन जाएगा, तो आप लोग इस फोटो को 3 डॉट में क्लिक कीजिएगा, यहाँ से सेव टू डिवाइस कर लीजिएगा। तो गाइस स्केच बुक में जो फोटो सेव किए थे उस फोटो को पिक्सार्ट ऐप से ओपन करना है, टूल्स वाला ऑप्शन में आना है, रिसाइज कर लेना है फोटो का, यहाँ से कोई आप लोग भी 4 अंक डाल दीजिएगा, रिसाइज कीजिएगा, ये देखिए 28 आया है, यहाँ पर 28 लिख लीजिए, रिसाइज कर दीजिए। इफेक्ट वाला ऑप्शन में आना है, ब्लर वाले ऑप्शन में ब्लर में क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहां से क्लिक करके आप लोग जितना ब्लर रखना चाहते हैं रख लीजिएगा, चलिए इतना ही ब्लर रखने देते हैं। डाटा वन कर लीजिएगा, इरेजर वाले ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, यहां से बैकग्राउंड कर दीजिएगा, कुछ इस टाइप का इंटरफेस लेगा। वैसे देखिए हम लोग का ब्लर बैकग्राउंड हो चुका है, इसके बाद राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन लेना है, यहाँ से स्मूथ कर देना है, इस वाले ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, कुछ इस टाइप का इंटरफेस लेगा, इस कर दीजिएगा,
इसके बाद राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक, इन टूल्स वाले ऑप्शन में आना है। इस वाले ऑप्शन में इस टाइप से अपने फोटो को जूम करके अपने हेयर को सेट कर लीजिएगा ताकि देखने में कमाल लगे। तो गाइस हम लोग का हेयर सेट हो चुका है, राइट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद फिर टेक्चर वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ से आप लोग लाइट सर्च कर लीजिएगा। नीचे आना है, टाइप इंटरफेस खुल जाएगा, नीचे आना है, इस वाले लाइट को ले लीजिएगा। बिल्डिंग वाला ऑप्शन आना है, स्क्रीन करके इस टाइप से लगा दीजिएगा। इसको इरेजर वाले ऑप्शन में आके यहाँ से बैकग्राउंड कर दीजिएगा, देखिए किसी टाइप का फोटो हो जाएगा। तो चलिए इस फोटो को सेव कर लेते हैं और ले चलेगा तीन ऐप के अंदर। इस वाले ऑप्शन क्लिक कीजिएगा तो फोटो सेव हो चुका है। चलिए तो गाइस रिमेनिंग ऐप्स ओपन कीजिएगा तो इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। आप लोग एक साथ में जो फोटो सेव किए थे उस फोटो को ले लेना है। फर्स्ट वाले क्लिक कीजिएगा, कुछ इस टाइप का प्रोसेसिंग लेगा। देखिए गाइस बिफोर आफ्टर देखिए फोटो कितना एचडी में बन चुका है। आप लोग फोटो एडिट करते हैं 3 महीने के अंदर, एडिट करने के बाद ही लाइएगा, स्मूथ करने के बाद, ताकि यारी यारी वाला पार्ट जो रहता है उसको क्लीन कर देता है। इसके बाद सेव वाले ऑप्शन आएगा, यहाँ से सेव कर लीजिएगा। और चलिए इस फोटो को ले चलते हैं, तो इस फोटो को टूलविज ऐप्स में ओपन कर लीजिएगा। तो गाइस टूलविज ऐप्स में फोटो ओपन हो गया है। इफेक्ट वाले ऑप्शन में आना है, इस वाले ऑप्शन में आइएगा और यहाँ से सिक्स एमआर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस वाले ऑप्शन में आइएगा, यहाँ से क्लीन कर दीजिएगा और इस टाइप से अपने हेयर में चला लीजिएगा, वेल पेंट डाल लीजिएगा। ये देखिए कितना हेयर मस्त लग रहा है। इसके बाद इसमें भी चला लेते हैं, तो आप लोग को जिधर जिधर वेल पेंट चाहिए उधर उधर आप लोग चला लीजिएगा, शर्ट में भी चला लीजिएगा ताकि देखने में बहुत ही कमाल का लगता है वेल पेंट। चलिए इस वाले ऑप्शन में आइएगा और यहाँ से इस फोटो को सेव कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा लाइट रूम में। तो गाइस देखिए पहले एडिट किया हुआ फोटो है, देखिए कितना गर्दा लग रहा है। इसके बाद एक प्रीसेट, इस वाले प्रीसेट को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कुछ प्रोसेसिंग लेता है गाइस लाइट रूम में, आप लोग तो जानते ही हैं। इसके बाद थ्री डॉट में क्लिक करना है, यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लीजिएगा, नीचे वाला को टिक कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, इस फोटो में कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, फिर उसमें क्लिक कीजिएगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। कुछ इस टाइप का फोटो हो जाएगा, इसे देखिए बहुत ही कमाल का फोटो बन चुका है। ये हेयर भी देखिए कितना गर्दा हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।